अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम गाइस। बाबर आजम ने की T20 ब्लास्ट के अंदर धुआंधार बैटिंग और उनकी इस बैटिंग की वजह से समरसेट की टीम ने ग्लैमोर की टीम को जो है वो 66 रन से शिकस्त दी। जी बिल्कुल दोस्तों, बाबर आजम ने अपने कैरियर बेस्ट 114 रन बनाए जहां पर उन्होंने 62 गेंदों का सामना किया इस मैच के अंदर और नॉट आउट रहे। जी बिल्कुल दोस्तों, ये सबसे बड़े रन थे बाबर आजम की जान से किसी भी काउंटी के मैच के अंदर या फिर किसी भी T20 मैच के अंदर जहाँ उन्होंने 62 गेंदों का सामना किया, 114 रन बनाए, 9 चौके लगाए, 5 छक्के लगाए, 183 का उनका स्ट्राइक रेट था और इस बेहतरीन इनिंग्स की बदौलत उनकी टीम ने जो है वो दोस्तों ओपोनेंट टीम को 66 रन से शिकस्त दी। बाबर आजम की जान से इस मैच के अंदर दो रिकॉर्ड्स भी बनाए गए, वो कौन से रिकॉर्ड हैं जानने के लिए वीडियो को मुकम्मल देखिए और अगर आपको बाबर आजम की बैटिंग अच्छी लगती है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के निशान को भी जरूर दबाइए। दोस्तों अगर हम बात कर लेते हैं यहां पर समरसेट के इस बैट्समैन बाबर आजम की, तो उन्होंने गुज़िश्ता रोज खेले गए मैच के अंदर 114 रन की एक लाजवाब इनिंग्स खेली, 62 गेंदों का सामना किया और उनकी ये इनिंग्स जो है वो दोस्तों यहाँ पर इतनी कारगर साबित हुई कि उनकी टीम ने जो है वो ओपनिंग टीम को शिकस्त भी दी और साथ साथ बाबर आजम का ये सबसे बेहतरीन स्कोर बना T20 क्रिकेट के अंदर। इसी तरह दोस्तों अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर बाबर आजम की, तो वो सबसे फास्ट 5000 रन बनाने वाले एशिया के ये प्लेयर जो है वो दोस्तों बन गए जिन्होंने विराट कोहली को पीछे छोड़ा और 145 मैचेस के अंदर जो है वो 5000 रन को मुकम्मल किया, जबकि इससे पहले विराट कोहली ने 167 इनिंग्स के अंदर जो है वो 5000 रन को मुकम्मल किया। इसी तरह दोस्तों अगर हम बात कर लेते हैं यहां पर बाबर आजम की, तो बाबर आजम की जान से ये इनिंग्स इतनी लाजवाब इनिंग्स थी कि इन्होंने जो है वो तीसरे फास्टेस्ट प्लेयर जो है वो दोस्तों बन गए T20 क्रिकेट के अंदर के जिन्होंने 5000 रन को जो है वो T20 क्रिकेट के अंदर मुकम्मल किया। कमाल इनिंग्स खेली गई दोस्तों बाबर आजम की जान से और उन्होंने 9 चौके लगाए, 5 छक्के लगाए और बॉलर्स जो हैं उनके सामने बिल्कुल बेबस से दिखाई दिए। उनकी बैटिंग इतनी लाजवाब हुई कि बॉलर्स जो हैं वो दोस्तों उनकी जान से उनके सामने बिल्कुल बेबस से दिखाई दिए और उन्होंने अपने जो नाकेदीन है उनको एक बेहतरीन जवाब दिया। याद रहे इससे पहले बाबर आजम जो है वो इस टूर्नामेंट के अंदर इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके, लेकिन फाइनली बाबर आजम जो है वो दोस्तों इन फॉर्म आए और उन्होंने एक लाजवाब इनिंग्स जो है वो इस टूर्नामेंट के अंदर खेली और अपनी टीम को फतह याब करवाया। और आपके ख्याल से बाबर आजम जो है वो दोस्तों यहां पर अगले आने वाले मैचेस के अंदर कैसी बैटिंग करेंगे, क्या वो इस अपनी सेंचुरी की पार्टनर जो परफॉर्मेंस है इसको मजीद कैरी ऑन कर पाएंगे या नहीं, इस मुतालिक तमाम जो दोस्त हैं वो कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करिए। जल्दी से वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं मिलूंगा जल्द ही आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इजाजत दीजिए, बाय बाय, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।